होली की लपटों का यक्ष प्रश्न। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। फिर आ गया होली का त्यौहार। होली का त्यौहार संदेश देता हुआ कि रंग लीजिए अपने जीवन को, चाहे जिस रंग में, जिसमें आपका मन भाए। पर यक्ष प्रश्न ये है कि क्या हमने अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने चरित्र को, अपने चित्त चेतना में वह रंग भर पाए हैं जिसका आग्रह भारत की समृद्ध पौराणिक आध्यात्मिक मान्यताएं करती हैं। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप भक्त नंदन प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका एक अपवित्र संकल्प के साथ अग्नि में प्रवेश करती है। उसने अपनी साधना से अर्जित वरदान को दांव पर लगा देती है, पर वह प्रहलाद को मार नहीं पाती है, स्वयं जल जाती है। प्रहलाद कौन है? हमारे पुराणों के अनुसार जो जीवन में आह्लाद, उमंग, ऊर्जा ला दे, वह प्रहलाद है। आह्लाद और आनंद ही उसका पर्याय है। एक उदार, सहज, समृद्ध सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा ही प्रहलाद का आग्रह था। होलिका को आशीर्वाद प्रसाद स्वरूप मिला हुआ वह वस्त्र रूपी वरदान, जिस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता था, उसने हिरण्यकश्यप के अहंकार की तुष्टि के लिए उस मांगलिक प्रसादिक प्रसाद को ही दांव पर लगा दिया। परिणाम हम सब जानते हैं। तेज हवा का झोंका आया, उड़ा ले गया उस वस्त्र को और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। विषय के मूल तत्व को समझने महर्षि कश्यप के दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को समझना होगा। दोनों के नाम के आगे हिरण्य है। हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण। इसका आशय यह हुआ कि वित्त परक चिंतन, पद प्रतिष्ठा, उच्चता, श्रेष्ठता और अपने अहंकार की प्राण प्रतिष्ठा करने अपवित्र भाव के लिए वही हिरण्यकश्यप है, वही हिरण्याक्ष है। जब जीवन वित्त परक हो जाता है, अर्थ केंद्रित हो जाता है, तो उसके लिए उसका अस्तित्व बोध और उसकी स्थापना ही सर्वोपरि हो जाती है। वो अपनी समरसता को खो देता है, चारों ओर भय और अनिश्चय की स्थिति बन जाती है। जीवन मूल्य बौने हो जाते हैं, सिद्धांत निरीह हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप अपने उपलब्धियों की स्वर्ण की थाली, अपने अहंकार की दीपशिखा को जलाकर जीवन को जीना चाहता है। वो निर्भीक रहता है, ना वो दिन में मरेगा। ध्यान दीजिएगा कि ना वो दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर के भीतर, ना बाहर, ना पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से। वो ब्रह्मा सृजित सृष्टि के किसी भी पात्र में वो सामर्थ्य नहीं होगा कि वो हिरण्यकश्यप को मार सके। उसमें उदंडता का भाव स्वाभाविक था। उसी के यहाँ उसके अहंकार को निर्मूल कर मानवीय सात्विक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रहलाद का जन्म होता है, जिसके लिए प्रहलाद जी को बहुत सारी यात्राएं भी सहनी पड़ती हैं। तब कहीं भगवान नरसिंह का प्रागट्य होता है। भारतीय इतिहास में कई ऐसी प्रवृत्तियों का आक्रमण हुआ है जिसने भारत की धवल परंपराओं की उच्चता को बाधित करने का प्रयास किया है। उन जीवन मूल्यों को होलिका के माध्यम से जलाने का प्रयास किया है, पर जलाने वाले जलाने का प्रयास करते रह गए और स्वयं जल गए। सिर्फ उनकी दास्तां रह गई दास्तानों में। नीरज जी कहते हैं, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जलाकर अपना घर हमी ने रोशनी की है। पर सवाल आपसे वही है कि क्या प्रहलाद के अग्निपथ की भावना का सम्मान हुआ? होलिका दहन के समय देवताओं ने आनंदित होकर रंग डाले और देवतों ने कीचड़ फेंका। आज सदियों से होलिका दहन हो रहा है। होलिका के आसमान छूती लपटें आज भी अट्टहास करती दिखाई पड़ती हैं। एक यक्ष प्रश्न करती हैं कि क्या तुम मुझे जला पाए? देवताओं ने रंग खेला था, क्या तुम देवतत्व का पूज भाव जगा पाए? क्या समाज देवत्व की सशक्त भाव भूमि में जीवन मूल्यों को स्थापित कर पाया? क्या दुर्गुण निर्मूल हुआ? क्या प्रहलाद के आह्लाद और आनंद के सहिष्णु भावों के सौरभ को समाज में बिखेर पाए? क्या दैत्य वंश परंपरा, कीचड़ फेंकने की परंपरा समाप्त हो पाई? क्या समाज के चिंतन का आंचल धवल हो पाया? क्या प्रहलाद की सही हुई यात्राओं के साथ न्याय हो पाया? तो हमें रंग खेलना चाहिए समस्ता की पिचकारी में। प्रेम का रंग घोलकर होली खेलने के लिए हमें प्रहलाद के सम्मान के लिए हिरण्यकश्यप को घर की देहरी पर, प्रवेश द्वार पर ही मारना होगा और चुनौती देना होगा उस हिरण्यकश्यप की प्रवृत्ति को। देख, न दिन है, न रात, न आकाश है, न धरती, न अस्त्र है, न शस्त्र है, न अंदर न बाहर, तू देहरी पर है, गोद में नरसिंह के। हमें नरसिंह को प्रकट करना होगा। मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि हम अपने अपवित्र संकल्पों और संकीर्ण सोच को निर्मूल करने के लिए अपने अंदर के सिंहत्व को जागृत करें। दुर्गुणों के प्रवेश के पूर्व ही मारने के लिए प्रतिबद्ध हों। एक दूसरे पर जो हम कीचड़ उछालते हैं, उसे भी हम बंद करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि दुर्गुणों को प्रवेश के पूर्व ही हमें मारना होगा और असंस्कारिक चीजों को वहीं पर प्रतिबंधित करना होगा। सर्वे भंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। बंधुत्व की पिचकारी में रंग भरकर आइए हम सब मिलकर होली खेलें और इसके अर्थ को समझें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और होली के अर्थ को समझने का प्रयास करें।